नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। परोठा की गर्भवती श्रमिक महिला को नहीं मिली 16,000 रुपए की सहायता राशि, परिजन एक वर्ष से जिला अस्पताल के काट रहे चक्कर। देवास जिले के ग्राम परोठा की गर्भवती श्रमिक महिला को पिछले एक साल से डिलीवरी के जो पैसे खाते में डालने वाले थे वह आज तक नहीं डाले हैं। महिला के पति का ऐसा आरोप है कि पिछले एक साल से वह जिला अस्पताल व विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उन्हें आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। बुधवार को भी युवक जिला अस्पताल पहुंचा, वहां संबंधित अधिकारी से मुलाकात कर जानकारी दी कि पिछले एक साल से उसके खाते में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गर्भवती श्रमिक महिला की डिलीवरी पर जो 16,000 रुपए मिलने वाले थे वह आज तक नहीं मिले हैं। युवक ने जल्द से जल्द पैसे खाते में डालने की गुजारिश की है। जो पैसे डालते 16,000 रुपए वो डले नहीं अभी तक, और हम भटकते इधर उधर जाते हैं सर, इधर से उधर पहुंचा देते हैं, उधर से इधर, तो अभी समस्या यही चल रही है हमारी, एक वर्ष हो गया। किस बात के पैसे डलना था आपके? सर डिलीवरी के 16,000 रुपए जो डलते हैं वो राशि अभी तक मिली नहीं हमको। किनकी हुई थी डिलीवरी? मेरी वाइफ की। क्या नाम है उनका? अर्चना। कितना? एक साल हो गया। एक साल हो गया। क्या समस्या बता रही है? समस्या सर सामग्री आईडी में थी, सामग्री आईडी सर हमने चेंज करवा के ससुराल की बनवा ली, मायके से कटवा के, वो क्लियर हो गई, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जब से भटक रहे हैं? जब से भटक रहे सर, एक साल हो गया। दो तीन बार किन से मिलने आए थे यहाँ पे? सर हम अभी बरोठा से सर यहाँ आए थे मिलने, आईपीपी का पता दिया था, आईपीपी ने हमको जिला अस्पताल में पहुँचा दिया है। अभी यहाँ किससे मिले थे आप? पूजा दीदी से मिला, पूजा दीदी ने कम्प्लेन किया। कौन है पूजा दीदी, कहाँ बैठती है? पूजा दीदी बैठती है जिला चिकित्सालय में। हाँ, तो अभी भी कोई हल नहीं निकला आपका? नहीं निकला सर। अभी क्या बोल रहे हैं आपको? अभी फिर से कंप्लेंट सर के पास बोल दिया, बोले कंप्लेंट सर के पास वो जाओ ना, कंप्लेंट सर भी कल मिलेंगे, आज तो मतलब वो कमलेश सर कहाँ के भी, कौन सी गांव में? जिला अस्पताल में बैठते हो? क्या नाम है आपका? राहुल मालवी। कहाँ से आए आप? इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।